हाय, दिस इज़ कुंदन। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम फुली हुई बैटरी को ठीक कर सकते हैं, जैसे हमारे फ़ोन की बैटरी फुल सी जाती है। तो गाइज, इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर एंड तक। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूँ, जो ज़्यादातर बैटरियाँ फुलती हैं वो MI के ही हैंडसेट होते हैं। अभी तक मैंने जो एनालाइज़ किया है वो यही कि जो भी हैंडसेट होते हैं मोस्टली जिनकी बैटरी फुलती है वो MI की ही होती है। तो गाइज, यदि आप एक नॉर्मल यूज़र हैं, आप मोबाइल ना रिपेयरिंग शॉप है आपके ना आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखते हैं, तो ये वीडियो आप बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए हो सकते हैं डेंजरस। हो आप इस चीज़ को यूज़ ना कर पाओ तो आप स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हैं या मोबाइल रिपेयरिंग पे शॉप पे काम करते हैं या आप एक इंजीनियर हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। मैं बताऊँगा आप किस तरीके से आप फुली हुई बैटरी को ठीक कर सकते हैं, वो भी सिर्फ कुछ टाइमों में। तो गाइस, जब भी आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने हैंडसेट से बैटरी को रिमूव करेंगे, तो उससे पहले ध्यान रखना है आपको जो बैटरी है वो टोटली डिस्चार्ज कर लीजिए अपने फ़ोन की। तो सबसे पहले अपनी बैटरी को डिस्चार्ज करना है, उसके बाद अपने फ़ोन को ओपन कीजिए। ओपन कर लेते हैं तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट का भी ध्यान रखना, अगर आपके बैक में फिंगरप्रिंट है तो कहीं ऐसा ना हो वो टूट जाए। अब हमारे पीछे यहाँ पे स्क्रू है, तो हम सबसे पहले स्क्रू को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से जो बैटरी कनेक्टर लगा है हम इसे सबसे पहले निकाल लेंगे। बैटरी कनेक्टर के बाद निकालने के बाद हमें बैटरी अलग रख देनी है, फ़ोन अलग। तो गाइज, यदि आप ये चीज़ अप्लाई कर रहे हैं तो इसे खुले स्पेस में करिएगा, घर में मत यूज़ करिएगा इस चीज़ को, हो सकता है ये बैटरी ब्लास्ट वगैरह हो जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल आप एक सुई यूज़ करनी है। सुई से यूज़ करने के बाद इसकी जो ऊपर लेयर होती है, अपर लेयर होती है, उसमें आपको छोटा सा होल करना है। आप ऐसे मत कीजिएगा आपने यहाँ से डायरेक्ट कर दिया, क्या होता है इसमें बैटरी की बहुत सारी लेयर्स होती हैं। लेयर्स में क्या होता है, जब हम डायरेक्ट सुई को अंदर करते हैं, इसमें होल करते हैं, तो जो लेयर्स होती है अपने में कनेक्ट हो जाती है। आपस में कनेक्ट होने के बाद क्या होता है, बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अगर आप इस तरीके से भी करते हैं जब इसमें होल करेंगे, तो क्या होता है बैटरी में एक लिथियम मटेरियल होता है, वो लिथियम क्या होता है इसके गैस के द्वारा ये बाहर आने लग जाता है। तो आपको सिंपल क्या करना है, ऊपर की जो लेयर होती है इस तरीके से आपको उसमें छेद करना है, ऊपर की लेयर में। देख सकते हैं आप ये बैटरी कितनी फुली हुई है, तो हम अपर लेयर में इसमें थोड़ा सा छेद करेंगे, देखिए इस तरीके से। उसके बाद इस बैटरी को हमें इस तरीके से थोड़ा सा दबा देंगे, तो कोई चीज़ होगी उससे प्रेस कर दीजिए। अगर आपका बैटरी बैकअप अच्छा है फ़ोन का, तभी आप ये चीज़ यूज़ कीजिए, वरना आप परचेज़ कर लीजिए दूसरी बैटरी अगर कर सकते हैं तो। बाकी आपने जिस जगह से छेद किया है वहाँ पे आप एक टेप लगा दीजिए, और बैटरी को हार्ड प्रेस करना है आपको किसी भी चीज़ से इस तरीके से, ताकि बैटरी है जो वो वहाँ से गैस निकल सके और ये टोटली जो है सही से। इसके बाद अब हम इसे फ़ोन में लगाते हैं। फ़ोन में लगाए इसे, अब ऑन करके देखते हैं। अभी तो पूरी डिस्चार्ज है बैटरी, तो मुश्किल है चार्ज चले। देखिए इससे क्या होता है, अब ये थोड़ी चल चुकी है, अब हम इसे चार्ज पे लगाते हैं थोड़े टाइम के लिए। तो देखिए जैसा भी है अभी ऑन हो रही है फ़ोन। इससे भी बेस्ट उपाय यह है कि गाइज, अगर आपकी बैटरी फुल गई है तो आपके पास कोई दूसरी बैटरी होगी जो इंटरनली होगी, इंटरनल जो इनबिल्ट बैटरीज होती हैं उनका क्या करना है, आपको ये जो कनेक्टर होता है, इसी साइज़ की बैटरी जो इस साइज़ इस फ़ोन में लग रखी है, इस साइज़ की बैटरी आपको जो इसमें फिट आ जाए वो लेना है। इसमें आपको क्या करना है, इस बैटरी का जो एक कनेक्टर है, पोस्चर है ऊपर का, वो निकाल करके आपको दूसरी बैटरी में फ़िट कर देना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक बैटरी, जैसे ये बैटरी देख सकते हैं आपने, ये बैटरी ख़राब थी और मेरे पास एक और बैटरी, तो मैंने इसका ऊपर का जो पॉस्चर होता है ये वाला, ये निकाल के मैंने दूसरी बैटरी में लगा दिया और वो बैटरी बिल्कुल ओके हो गई। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो देखिए अभी इसकी 1% बैटरी है, चार्ज हो रही है बैटरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का सिंबल आ रहा है। गाइज, यदि आप एक सिंपल यूज़र, मोबाइल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है हार्डवेयर से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को घर पे अप्लाई मत कीजिएगा। आप बिल्कुल भी इस चीज़ को ट्राई मत कीजिए, क्योंकि फ़ोन एक ओपन करते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे कितने सारे कॉम्पोनेंट्स दे रखे हैं, तो ये कहीं ना कहीं
हमारी बाय मिस्टेक कई बार क्या होता है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इसमें अभी जो सबसे रेयर चीज़ है वो बैटरी, बैटरी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, चाहे हम उसे निकाल रहे हो या फिर हम बैटरी लगा रहे हो, तो वहाँ पे कोई भी पिन जैसी चीज़ है जो उसमें अटैच नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कई बार होता है जैसे हम फ़ोन खोल रहे होते तो बैटरी पर हार्ड प्रेस होता है, इसे बहुत ही प्रेशर से निकाला जाता है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को ट्राई मत कीजिए, यदि आप मोबाइल रिपेयरिंग जानते हैं या मोबाइल रिपेयरिंग की आपको इन्फॉर्मेशन है तभी आप इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा। अब हम इस मोबाइल को पैक कर देते हैं, तो अब हम इस फ़ोन को पैक करते हैं सिंपल। चलिए पैक कर देते हैं। अगर आपके फ़ोन की बैटरी बैकअप अच्छी है तभी आप इस चीज़ को ट्राई कीजिए, अदरवाइज़ मैं यही कहूँगा कि आप एक नई बैटरी परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि बैटरी भी उतनी महंगी तो नहीं आती है। तो हमारा भी ये फ़ोन पैक हो चुका है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें, इस फ़ोन में आपको जैसे पहले शुरू में गैप दिख रहा था वैसा आपको कोई भी गैप नहीं दिख रहा। जो बैटरी है वो कवर है जो पूरा बराबर लेयर में आ चुका है। अब हम इस फ़ोन को ऑन करते हैं और चेक करते हैं, तो ये हमारा जो फ़ोन है अभी ये ऑन हो रहा है। तो मैं गाइस पहले आपको बता दूँ, ये बहुत ही कम, बहुत से फ़ोन होते हैं जिनकी बैटरी ऐसे काम नहीं कर पाती, मैं मानता हूँ 30 से 40% होती है जो काम कर जाती है। तो अब जैसा आप देख सकते हैं ये फ़ोन है प्रॉपर ऑन हो गया है, और यहाँ देखिए आप लाइट, ये चार्जिंग इंडिकेटर है, ये भी चार्ज फ़ोन हो रहा है। तो गाइज़ मैं आपको पहले बता दूँ, ये कुछ रेयर बैटरीज होती हैं जिनमें ये वर्क करता है, मोस्टली बैटरीज में ये वर्क नहीं करता। तो यार मोबाइल के हार्डवेयर में आप बिल्कुल भी जानते, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ट्राई मत कीजिएगा, ये हार्मफुल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि कई बार बैटरीज जो होती हैं वो फट जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस चैनल पर बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। It's caught in the crossfire.